आज का जो थ्योरी वीडियो है ना, ये रेडिट पे थोड़ा अंडररेटेड टाइप थ्योरी है, लेकिन जो लोग रेडिट थोड़ा रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हैं, वो लोग रेडिट पे जाके थ्योरीज वगैरह पढ़ते हैं, उनको शायद पता हो इस थ्योरी के बारे में। मैं रेडिट पे थ्योरीज वगैरह नहीं पढ़ता, मेरा दोस्त पढ़ता, उसने मुझे ये थ्योरी बताया था और मुझे ये थ्योरी बहुत पसंद आया, और इसी वजह से मैं ये थ्योरी तुम सबके पास लेकर के आया हूँ। और ये थ्योरी जानने के बाद तुम्हें कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। प्लस मुझे इस थ्योरी का एक ड्रॉबैक लगता है, एक प्लॉट होल टाइप, तो उस बारे में मैं बात बाद में करूँगा, पहले थ्योरी को समझते हैं। बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं प्रीवियस जॉय बॉय के बारे में। देखो, असलियत में कहूँ तो ओरिजिनल जॉय बॉय के बारे में, जिसे सब कोई जॉय बॉय कहते थे, सन गॉड नीका के बारे में, ना कि लूफी के बारे में। बिकॉज देखो, अभी जो लूफी है वो जब अपने गियर 5 में जाता है, उसे ही जॉय बॉय कहा जाता है, उसे ही नीका कहा जाता है। एंड नीका वाला वर्ड, ये बात पूरा 100% कन्फर्म तब हो गया जब 5 एल्डर्स में से एक सैटर्न लूफी को गियर 5 फॉर्म में देख के नीका कहता है। वहीं दूसरी ओर जॉय बॉय वाला कन्फर्म तो जुनेसा ने कर दिया था। खैर, जॉय बॉय के पास्ट पे आते हैं। तुम्हें एक बात तो पता ही होगा कि 800 साल पहले वर्ल्ड सेंचुरी का टाइम था, जहां पर एक बहुत बड़ी वॉर छिड़ी थी, एंसेंट किंगडम वर्सेस 20 किंग्स के साथ, जहां पर एक किंगडम ने धोखा दे दिया, एक तरह से कहा वो इस फाइट का हिस्सा नहीं रहेगा, और वो उनसे अलग हो गया, जो कि था अलाबास्टा किंगडम, नाफ्तारी फैमिली। तो 19 किंग्स या 19 किंगडम मिलके बैटल किए थे एंसेंट किंगडम के खिलाफ। अब हमें एंसेंट किंगडम का एग्जैक्ट नेम पता नहीं है, इसका नाम पता था क्लोबर को। हाँ, वही एनिस लॉबी में दिखाया गया था रॉबिन का पास्ट में, जो ओहारा वाला बुड्ढा, ये जो है नाम कहने वाला था एंसेंट किंगडम का, लेकिन उसी वक्त साइपर पोल ने उसे मार दिया। उस लड़ाई में वो जो किंग्स वगैरह जीत गए थे, जो कोई भी जीता था, उन लोगों ने ये वर्ल्ड को क्रिएट किया है, एंड ये जो स्लेवरी वगैरह जो भी चुती आप तुम वन पीस में देख रहे हो, इनकी वजह से, एंड वही है आज के टाइम पे वर्ल्ड गवर्नमेंट। प्लस देखो, इमू सामा का हमें बिल्कुल भी कोई एग्जैक्टली हमें क्या चल रहा है, वो क्यों वहां पर बैठती है, कोई अंदाजा नहीं है। अब आते हैं जॉय बॉय पे। देखो, अगर हम जॉय बॉय पे जाए ना, जॉय बॉय वो बंदा है जो लूफी से पहले इस सीरीज का हीरो था, जो यहाँ का ओरिजिनल हीरो मैं कहूंगा, इस वर्ल्ड का वो हीरो है ना, जिसे हर कोई एडमायर करता है, कोमा भी उसे एडमायर करता है। वो बंदा है वॉरियर ऑफ लिबरेशन, वो बंदा स्लेव्स को आजादी दिलाता है। एंड हमने जॉय बॉय का पहली बार नाम सुना था रॉबिन के मुंह से, जब उसने फिशमैन आइलैंड वाला पॉनिक्लिफ रीड किया था। इसके बाद जब रॉबिन जा करके किंग नेपच्यून से पूछती है, तो किंग नेपच्यून उसे बताता है, हालांकि ज्यादा कुछ नहीं बताता, बस ये कहता है कि जॉय बॉय पहले ऊपर सर्विस में रहता था, एंड हमें बाकी तो पता ही, वो फ्रीडम फाइटर था, एक तरह से आजादी दिलाता था लोगों को। अब देखो, यहाँ पर एक बात तो कंफर्म है, वो वाला जो जॉय बॉय था वो मरा होगा, जिसके बाद हम 800 साल बाद लूफी का जो गियर 5 है, उस रूप में हम लोग जॉय बॉय को रिटर्न आते हुए देखते हैं। यहाँ पर देखो, वन पीस फैंस ये समझते हैं कि जो लूफी जिस तरीके से नीका डेविल फ्रूट का यूजर है ना, वो वाला जो जॉय बॉय था वो भी नीका डेविल फ्रूट का यूजर होगा, मतलब लूफी से पहले वाला और नीका डेविल फ्रूट का यूजर। लेकिन अगर मैं तुम्हें कहूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं था, तो एक्चुअल में एक बंदा ऐसा एग्जिस्ट करता था जिसके पास वो पावर्स थी, वो मतलब उसके पास पैदाइशी वो वाली पावर्स थी, वो बंदा सोच के अपने बॉडी के साथ कुछ भी कर सकता था, जिसे कुछ लोग सन गॉड नीका कहते थे, जिसे कुछ लोग जॉय बॉय कह करके बुलाते थे। एंड वो बंदा एंसेंट किंगडम के साइड से रहा होगा, एंड उसी को हराने के लिए पूरी वॉर छेड़ी गई होगी। लेकिन जब वो इन चूतियों के हाथों से हारा, तो उसके बाद जब वो मर गया ना, तो फिर क्या हुआ, जितने भी स्लेव थे, जितने भी लोग थे, वो सब के सब ने अपने डिजायर रखे। याद है डॉक्टर वेगापंक एगहेड आइलैंड आर्क में एक बात कहता है, ये जितने भी डेविल फ्रूट्स हैं वो ह्यूमन इवोल्यूशन का एक पार्ट है, एंड ये सारे डेविल फ्रूट्स ह्यूमन के डिजायर से पैदा हुए हैं। जिससे हमें क्या पता चलता है कि जो नीका डेविल फ्रूट है ना, वो भी किसी के डिजायर से पैदा हुआ है। अगर किसी भी बंदे ने इसका डिजायर नहीं रखा था, तो नीका डेविल फ्रूट भी कभी आता ही नहीं। एंड देखो, ये थ्योरी ये कहता है कि एक्चुअली में 800 साल पहले जॉय बॉय नाम का एक असलियत में बंदा एग्जिस्ट करता था, वो कोई डेविल फ्रूट यूजर नहीं था, उसके पास सच में वैसी पावर्स थी, वो सच में वो सारी चीजें कर सकता था जो आज के टाइम पे लूफी करता है, एंड उससे खतरनाक रूप में, बिकॉज वो ओरिजिनल यार यूजर था, वो कोई डेविल फ्रूट यूजर नहीं था, वो वैसा पावर्स के साथ ही पैदा हुआ था। पर जब वो लड़ाई में हार गया, वो जब मर गया ना,
तो मरने के बाद जितने जो स्लेव थे, जो उसके सपोर्टर्स थे, उन सब ने अपना डिजायर रखा कि जॉय बॉय वापस आए। और ये जो तुम सब हितो इतोनोमी मॉडल निका डेविल फ्रूट देख रहे हो, ये एक्चुअली में उन्हीं स्लेव्स के डिजायर से ही पैदा हुआ है। ये डेविल फ्रूट उसी डिजायर से बना है। और देखो, इससे एक और चीज के तरफ हमें इशारा मिलता है, ये वर्ल्ड गवर्नमेंट निका का नाम क्यों सबके दिमाग से याद मिटाना चाहता है। वो नहीं चाहती है कि कोई भी निका का नाम ले, वो नहीं चाहते कोई जॉय बॉय के बारे में बात करे। ये उसका सबसे बड़ा मेन रीजन हो सकता है, बिकॉज वो नहीं चाहते कि जॉय बॉय वापस आए। खैर देखो, मैंने शुरू में कहा था इसका एक ड्रॉबैक भी है। इसका ड्रॉबैक क्या है? देखो, इसका सबसे बड़ा मेन प्लॉट होल ही यही है कि भाई, अगर वो बंदा सच में पैदाइशी उस तरीके की पावर्स यूज कर सकता था, उसके पास मतलब पहले से थे, तो हमें कोई बताए कि वो पावर्स कैसे यूज कर सकता होगा। अब देखो यार, ये इसका सबसे बड़ा प्लॉट होल है। अगर ये चीज भर दिया जाए ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी बन सकता है। खैर, वो सारी बातें तो चर्चा होती रहेंगी। फिलहाल जो है, जो मेरे को कहना था वो मैंने तो कह दिया। अब तुम्हें ये थ्योरी कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। कुछ सवाल है तो वो भी पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स खाली है। और अगर ज्यादा ही पूछना है तो इंस्टाग्राम भी खाली है, इंस्टाग्राम पे आके पूछ सकते हो। साथ ही साथ अगर तुमको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक मारना मत भूलना। और अगर तुम इस चैनल पे नए आ गए हो तो मैं बता दूं कि यहाँ पर वन पीस के वीडियोस आते हैं, तो वन पीस के वीडियोस अगर तुमको देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना।